हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शीर खुरमा बनाने की रेसिपी, जो कि कोई भी फेस्टिवल या त्यौहार की मैंडेटरी रेसिपी होती है। बनाने में भी आसान और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और झटपट कोई तामझाम के बिना बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। यहाँ मैंने एक प्लेट में ना सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया था, जैसे बादाम हो गए, काजू, किशमिश, सबको। तो आपके पास जो भी घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें एक टेबलस्पून देसी घी डाल के अपने सारे ड्राई फ्रूट्स, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट आप धीमी आंच पे करना। रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट्स में नटी फ्लेवर आ जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। और साथ ही मैं इसमें ना सेवई भी डाल दूँगी ताकि ये ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से रोस्ट हो जाए। मैंने यहाँ 1 कप वनमिसली ली है और अगर आप कप से नापोगे तो 50 ग्राम ली है। अब हम सेवई को भी भून लेंगे। इसको घी के साथ भून के इसकी जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी आने लग जाती है। और सेवई का इस्तेमाल थोड़ी ही क्वांटिटी में होता है, क्योंकि जब ये दूध में जाता है ना तो ये डबल हो जाता है सेवई। तो सबको अच्छे से रोस्ट करने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और साथ ही मैं एक पतीला ले लूँगी जिसमें मैं 2 कप फुल फैट दूध डाल दूँगी। चीनी की जगह ना मैंने यहाँ आज गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ डालने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बट अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ मैंने ना यहाँ पे 2 टुकड़े मीडियम साइज़ के डाले थे और साथ ही इसमें मैंने एक साबुत इलायची डाली थी अच्छे फ्लेवर के लिए। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और वर्मिसली डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेवई डालने के बाद अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। आज जो मैं खुरमा बना रही हूँ ना, ये बिना कंडेंस्ड मिल्क और मिल्क पाउडर के है। फिर भी आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा चीज़ों के बिना भी ना हमारा जो खुरमा है ना वो बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये चीज़ें नहीं डाली। तो इस टाइम पे जो हमारा खुरमा है ना वो बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स में किशमिश डाली थी ना, वो आप लास्ट में भी डाल सकते हो, क्योंकि कोई लोगों को लगता है कि दूध फट जाता है, बट मैंने साथ में ही डाला था। मेरा जो खुरमा था बिल्कुल ठीक था। सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ हम किशमिश को भी मैंने डाल दिया था। आप चाहे तो इसमें गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हो और ठंडा भी। मुझे तो पर्सनली ठंडा बहुत ही पसंद है। तो आपकी जो भी प्रेफरेंस है आप वो वैसा ही आप खाओ। और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था हमारा खुरमा। बहुत क्रीमी था इसका टेक्सचर। आप ऊपर से कोई भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे डेकोरेट कर सकते हो। मैंने इधर खजूर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और ऐसे डाला था। ट्राई कीजिएगा शीर खुरमा की आसान सी रेसिपी को। और वीडियो देख के ऐसे मत जाना, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, बाय बाय।